नमस्कार, मैं सरिता राव, आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज के खास प्रोग्राम SPN9 न्यूज के पब्लिक रिव्यू में। अब इस बार की पब्लिक रिव्यू में बात करेंगे फिल्म पीहू को लेकर के, जिसमें 2 साल की बच्ची अपने इर्द गिर्द किसी को ना देख करके विचलित हो जाती है और कई तरीके की एक्टिविटी करती है, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, कैसे एक 2 साल की बच्ची पूरे घर में अकेली है और किस किस तरीके से वो अपने आप को ढूंढ रही है, अपने परिवार वालों को ढूंढ रही है। ये फिल्म किसी और की नहीं बल्कि विनोद कापड़ी की है और इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया गया है और फिल्म पर्दे पर भी आ चुकी है। और इस फिल्म को देखने के बाद पब्लिक का क्या टेंशन है, पब्लिक क्या कहना चाहती, पब्लिक को क्या लगा इस फिल्म को देख करके कि इस फिल्म में कोई नहीं है बल्कि 2 साल की बच्ची मुख्य किरदार निभा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं घटित हो रहा है। हमें फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं हमारे साथ में, तो उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, कुछ संबंधों को लेकर के अपने। फिल्म से पहले आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आप एंजॉय कर पाए? हाँ, अच्छी है। कितने स्टार आउट ऑफ 4? अभी बहुत अच्छी लगी, जैसा मैंने ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट मैं इस फिल्म को 2 साल पहले से फॉलो कर रही हूँ, जब से ये फेस्टिवल में जा रही है तब से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैं इस तरह का ही सिनेमा देखना चाहती हूँ। और जो स्टोरी पे काम हुआ है, कंटेंट पे काम हुआ है, वो बहुत अच्छा है। यानी सभी ने मिलके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, तो हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ चौंकाने वाला कि मिलता है, तो लगता है अब ये होने वाला, सडनली कुछ और ऐसा हो जाता है, तो वो दर्शकों को जो बांधे रखती है। और जैसा कि और भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि लीक से हट के जो काम हुआ है, तो अब जो हमारा सिनेमा थोड़ा वो चेंज हो रहा है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नाचना गाना उससे आगे निकल के हम स्टोरी पे, जो हमारा भारत जिस तरह बढ़ रहा है, यानी पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब जिस तरह से एकाकी परिवार होने लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कितनी हमारे अंदर नकारात्मकता जिसको हम कहते हैं वो चीज़ आ रही है, हमें आस पड़ोस से मतलब नहीं होता है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। हम अखबार उठा के पढ़ लें तो ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो ये पीहू फिल्म हमें उसको जगाती है कि हम कैसे उसको वापस ला सकते हैं। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया फिल्म को, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, जो मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी कि कहीं ऐसा होता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि सिनेमा एक बहुत स्ट्रांग मीडियम है मैसेज देने का, तो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं तो 5 देना चाहूँगी। ये किसके लिए? एक्चुअली मूवी वॉज वंडरफुल मूवी एंड रियली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट विनोद कापड़ी जी, सो इट्स अ गुड मूवी। या वो पीहू, या इट्स अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बट एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग वाई शी डिडंट गेट नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट लास्ट ईयर, बिकॉज आई हर्ड दैट वॉज लास्ट ईयर इफी इंटरनेशनल, द इंडियन पैनोरमा, पीहू वॉज देयर, बट आई मिस दैट मूवी लास्ट ईयर, देन आफ्टर 1 ईयर आई कुड सी दिस मूवी, दैट्स वाई आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। Yeah, actually, it is not impressed me the storyline. Storyline, I feel it's an ordinary storyline. And the thing is that in the movie, definitely there is a sufferings of a small kid, like because she couldn't know what to do. So and so, the situation was against that small child. And the thing is that I think it's totally an experimental movie. I know, because me the director, so that's why I know it's an experimental movie. What direction? Yeah, direction pattern is not that much good, because he did well, but there is no, it's only the difficult to shoot that particular situation with that small kid. That's the important thing, only this movie. Other than there is nothing by saying the about the craft and other things, it's a quite natural movie hai, lekin wo usme kya bola, there should be some directorial talent is also there, but not that much higher, but it's a good attempt, so it's a good movie. So how many stars? Pardon? How many stars would you like to give out of 5? Out of 5, of course 3.5. बहुत ही अच्छी मूवी है, और ये
इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैंने स्क्रीन पर एक ऐसी मूवी देखी जो कि ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। लव स्टोरी और या भी ऐतिहासिक फिल्में चलती हैं, सबसे बिल्कुल अलग है, मतलब एक बच्ची को लीड करके फिल्म बना दी। सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्टर के लिए, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए कि उन्होंने एक चीज़ को अलग तरीके से परोसा इस चीज़ को। बहुत ही अच्छी, मतलब लगा ही नहीं कि पूरी फिल्म में बच्ची ने कोई एक्ट किया है, एकदम रियल कैरेक्टर, नेचुरल एक्सप्रेशन उसके जा रहे हैं, कहीं से कोई लगा ही नहीं कि एक्ट किया गया है, करवाया गया है, एकदम लाइव है वो पूरा। स्टोरी लाइन कैसी है? स्टोरी लाइन तो मतलब स्टोरी क्या कहा जाए, एक सिचुएशन था कि एक बच्ची घर में है। अब बच्ची का पूरा मामला कि एक अकेली बच्ची है, घर में कोई है नहीं, अब वो माँ को जगाती रहती है, चीज़ें करती रहती है, तो पूरा सिचुएशन ही है घर के अंदर, बंद कमरे का पूरा सिचुएशन है एक बच्ची का, कि घर में बच्ची छोटी है, क्या करती है, कैसे खाना करना है, बस सिचुएशंस हैं। स्टोरी क्या है क्या है, बस सिचुएशंस हैं। डायरेक्शन में अगर मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ा तो ये चीज़ है कि बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट चुना, ये बहुत रिस्की स्क्रिप्ट है फिल्म के लिए। हालांकि डायरेक्शन और बेहतरीन हो सकती थी, कहीं कुछ कंटिन्यूटीज़ के सीन थे, जैसे एक डेड बॉडी का मामला है कि डेड बॉडी डे बाई डे थोड़ा सा उसका पोजिशन थोड़ा सा और ख़राब होते जाता, थोड़ा तो इस चीज़ की मिसिंग मुझे लगी थोड़ा सा, लेकिन बाकी और मामलों में बहुत बढ़िया ये चला, बहुत स्मूथली एकदम, मतलब धीरे धीरे जितने ऑडियंस से कनेक्ट होते जा रहे हैं, और उस एक्टर से ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्ची है, लगता है कि ऐसा जुड़ जा रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए उसको, आदमी लगता है कि काश ना करो, टच मत करो, कहीं छत से कूदने वाला है, रुक जाओ मत जाओ आगे, मतलब जुड़ता जाता आदमी उस चीज़ से। हाँ, एज ए ट्रेलर तो मतलब ये कहा जाए कि मुझे लगा था कि बहुत, मतलब एक अलग तरह की फिल्म आ रही है, हालांकि ये देखा अच्छी लगी, लेकिन जो उम्मीद थी ना, मतलब उसी से थोड़ा सा नीचे रहा ये चीज़। और ये चूँकि बातें मतलब सारी जो फिल्म में चीज़ें दिखाई गई हैं सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट थोड़ा सा वीक लगा टोटलिटी में, बाकी सबका काम। मैसेज तो ये दे रही है कि आप बड़े बड़े शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती है, और फैमिली के बीच में आजकल क्या आता है ना कि थोड़ा सा जितनी हमारी मेंटलिटी है, थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, हाई होती जा रही है, उतनी हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसका असर हमारे आने वाले जनरेशन बच्चों पर पड़ता है, और इसका इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पर, जिसका शिकार ये बच्ची हुई है। 5 मिनट में तो 4 दूंगा इस चीज़ में।